दोस्तों ये हमारे पास सर्टिफिकेट फॉर आधार एनरोलमेंट का फॉर्म। ये दोस्तों ये नया फॉर्म है, जो पिछला पुराना फॉर्म था वो कुछ इस तरीके से दिखने में था। अभी जो ये नया फॉर्म आया है इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो चलिए कैसे इसको फिल करते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस फॉर्म को आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस फॉर्म को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हो जब आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आपका नेम सही है और आप अपडेट करवाना चाहते हो या करेक्शन करवाना चाहते हो, तब आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हो। इसको आप सर्टिफाई करवा के आधार सेंटर पे ले जाना होगा आपको, ठीक। इससे आप नया आधार कार्ड भी बना सकते हो बिना किसी कागज के। तो इसको कैसे फिल करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसको कहाँ से डाउनलोड करते हैं, पिछली वीडियो मैंने बना दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँ, आप डायरेक्टली वहाँ से देख के फॉर्म को जो है डाउनलोड करने का तरीका देख सकते हो। अब दोस्तों ये फॉर्म है कलर में, आप इसको कलर या फिर ब्लैक में यूज कर सकते हो, ठीक है। कलर भी में भी यूज कर सकते हो, ब्लैक में भी यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको फिल करते हैं, डेमो एक मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो डेट है, यहाँ पर आपको डेट डालना है, यहाँ पर डेट डालना है, उसके बाद यहाँ पर मंथ आ जाएगा, उसके बाद ईयर आ जाएगा। अब इस फॉर्म को दोस्तों 3 महीने के अंदर आप यूज कर लेना चाहिए। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, वैलिड मतलब 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड रहता है। आज अगर आपने इसको फिल किया है और आज की डेट डाल दी है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको आधार सेंटर पर ले जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले पे आते हैं रेजिडेंट डिटेल में। तो यहाँ पर आपको रेजिडेंट पे टिक करना है। अगर आप इंडिया से कहीं बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट है, तो आपको NRI पे यहाँ पर राइट करना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो न्यू एनरोलमेंट है और अपडेट रिक्वेस्ट है। अगर आपका आधार कार्ड नया बनवाना चाहते हो तो आपको न्यू एनरोलमेंट पे टिक करना होगा। और अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ सुधार करना चाहते हो, करेक्शन करना चाहते हो, फिर अपडेट करना चाहते हो, तो आपको अपडेट रिक्वेस्ट पर टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम लिखना है। अगर आप नेम में करेक्शन करना चाहते हो, नेम में सुधार करना चाहते हो, तो आपको वही नेम लिखना है जो आप आधार कार्ड पर अपडेट करवाना चाहते हो, नया नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है CO, तो CO में आपको फादर का नेम लिख देना है। उसके बाद है हाउस नंबर, तो आपको यहाँ पर हाउस नंबर लिख देना है। अगर आप एड्रेस चेंज करवा रहे हो तो नया एड्रेस इसमें आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट रोड लेन जो भी आपके पास रोड है नियर में आपके आसपास। उसके बाद लैंडमार्क में कुछ भी दे दीजिए, जो आपके लोकेशन पे फेमस जगह है उसका नाम दे सकते हो, या फिर इसको ब्लैंक या फिर खाली भी छोड़ सकते हो। एरिया में आपको देना होगा आपके एरिया का नेम, कॉलोनी का नेम। उसके बाद विलेज या टाउन सिटी, जो भी आपके सिटी टाउन है उससे फिल करना है। पोस्ट ऑफिस का नेम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जिले का नेम यहाँ पर फिल करना है। स्टेट में आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है। उसके बाद पिन कोड वाले ऑप्शन में आपको पिन कोड एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंजेस करना चाहते हो तो आपको वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आप आधार पर रखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको खुद का सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो आपको लगाना होगा। मैं आपको बता दूँ फोटो किस तरीके से लगाना है। इस तरीके से आपको एक फ़ोटो लगाना है और फोटो के बाद करेगा उसका एक स्टाम्प आ जाएगा। उसके बाद उसकी एक सिग्नेचर आ जाएगी, क्रॉस सिग्नेचर। उसके बाद वो डेट यहाँ पर लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो लगा के जो है आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर है सर्टिफायर से डिटेल। तो यहाँ पर जो भी इसको सर्टिफाई करेगा, जो भी इसको वेरीफाई करेगा, उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर नेम ऑफ द सर्टिफायर, सर्टिफायर जो कर रहा है उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद डिसाइग्नेशन, तो उसका जो वर्क है वो यहाँ पर आ जाएगा। ऑफिस एड्रेस आ जाएगा उसका, जो भी एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद उसका मतलब जो भी सर्टिफाई कर रहा है वो कौन है, यहाँ पर गैजेट ऑफिसर ग्रुप ए, जो भी इसको वेरीफाई कर रहा है उसका जो है यहाँ पर वर्क आ जाएगा, गैजेट ऑफिसर विलेज पंचायत जो भी है। उसके बाद यहाँ पर है चेक लिस्ट फॉर सर्टिफायर, जो सर्टिफायर करेगा उसको इसको चेक करेगा। उसके बाद सभी पे वो राइट कर देगा, नो ओवर राइटिंग, इज डेट एंड फील्ड, रेजिडेंट सिग्नेचर, सर्टिफाइड डिटेल, रेजिडेंट्स फोटोस, क्रॉस सिग्नेचर, क्रॉस स्टाम्प, सभी पे इस पे वेरीफाई। यहाँ पर उसका एक स्टाम्प आ जाएगा, उसकी एक सिग्नेचर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो डेट लिख देगा, उसको सर्टिफाई कर देगा। अब यहाँ पर दोस्तों किन से आप सर्टिफाई करवा सकते हो, तो यहाँ पर ये लिस्ट है, इनसे आप सर्टिफाई करवा सकते हो। गैजेट ऑफिसर, किसी वकील या फिर किसी से भी आप सर्टिफाई करवा सकते हो। विलेज पंचायत के हेड और मुखिया से भी इसको आप सर्टिफायर करवा सकते हो, यहाँ पर सरपंच से। उसके बाद गैजेट ऑफिसर ग्रुप बी से भी करवा सकते हो, MP, MLA, MLC, म्यूनसिपल काउंसिलर, किसी से भी आप तहसीलदार से भी करवा सकते हो। जो भी यहाँ पर है इनमें से किसी एक से भी आप सर्टिफायर करवा सके, इसको आधार सेंटर पे ले जाइएगा और वहाँ पे आपका आधार न्यू एनरोलमेंट भी बन सकता है और आधार में अपडेट या फिर कोई करेक्शन भी आप आसानी से करवा सकते हो। तो दोस्तों ये है एक आधार का नया फॉर्म। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे इसको फिलअप करते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। कोई डाउट है, कोई क्वायरी है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस चैनल पे मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और कहाँ से इसको फॉर्म को डाउनलोड करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।